हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बची हुई खिचड़ी को यूज करके इतने टेस्टी कटलेट्स बनाने जा रहे हैं जो आप हर बार बनाना चाहेंगे जब भी खिचड़ी बच जाएगी। तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी जो बना रखी थी थोड़ी बच गई है ये, तो इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज का प्याज और एक हरी मिर्च को कट कर लिया है, बारीक कट किया है। इसे इस खिचड़ी में मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ बाइंडिंग के लिए हमने दो तीन ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे निकाल लिए हैं, इन्हें तोड़कर इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें गरम मसाला डाला है आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर, भुने जीरे का पाउडर है ये भी आधा छोटा चम्मच डाला है। और साथ ही चाट मसाला डाल रहे हैं, एक छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है। और इसमें नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है खिचड़ी में, इसलिए इसमें हम और नमक का यूज नहीं कर रहे हैं। और साथ ही ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, एक मिक्सचर बनाएंगे और फिर उसके कटलेट्स तैयार करेंगे। इसे थोड़ी हेल्प से हम मैश करेंगे। इसमें हमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा गीलापन अभी लग रहा है, तो थोड़ा एक ब्रेड और डाल रहे हैं तोड़ के स्लाइस को, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी गीली बनी हुई है। तो ये मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है और इसमें हमने मूंग की दाल की खिचड़ी का यूज किया है। आप चाहे तो किसी भी दाल की खिचड़ी का इसमें यूज कर सकते हैं। और साथ ही हम इसको शेलो फ्राई करके बनाएंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथ में लगा लिया है और इसके किसी भी शेप में आप कटलेट्स इसके बना सकते हैं, इसके गोले। तो मैं इसको टिक्की की शेप में बना रही हूं, देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। तो ये कटलेट्स तैयार कर लिए हैं और इनको अब फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक नॉनस्टिक पैन को गैस पर रख लिया है, गैस को ऑन किया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं या वेजिटेबल ऑयल, जो आप खाते हैं वो डाल लीजिएगा। तो इसमें दो बड़े चम्मच भर के डाला है, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। इसको थोड़ी देर तक हमें करीब 7-8 मिनट तक हमें इनको फ्राई करना है, जिससे अच्छी तरह सीख जाए हर तरफ से, गोल्डन ब्राउन हमें इन्हें फ्राई करना है। शेलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इनमें इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो और क्रिस्पी बनाने के लिए इनपे आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं, उसके बाद इनको सेक सकते हैं। तो ये हमने 4-5 डाल दिए, इन्हें पलट पलट कर सेक लेंगे। इन्हें हमने एक बार पलट दिया है, हल्का सा गोल्डन कलर का चेंज हुआ है, तो इसी तरह इसको पलट कर सेकते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन सीख चुके हैं, तो इनको सर्व कर लेते हैं हम। तो ये लीजिए टेस्टी से कटलेट तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।